नमस्कार दोस्तों, कैसे? उम्मीद करो आप लोग सब ठीक हो। बहुत ही दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि मैं वीडियो कब बनाऊं। फाइनली मैं वीडियो बनाने आ चुका हूं। आज मैं करने वाला हूं मीम्स रिएक्शन हमारे पूकी बाबा पे। तो आओ पहले मीम चलाते हैं। लेसन क्या है? फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। भाई मैं पहले बता देता हूँ, हमारे पूकी बाबा बहुत ही पूकी है। कभी चैड़ बाबा हो जाता भाई बंदे को, तो एसएनएस कर देते पता नहीं क्यों। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? वाह क्या एक्टिंग कर। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा दो प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार पल। वो लड़की लड़का से बात करती है? कौन लड़के से? अभी स्कूल का, स्कूल में। कितने साल की लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। दसवीं कक्षा में पढ़ाई लिखाई करो भाई, बोर्ड से तुम्हारे। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बोला था ना, इनके आगे कोई बहस करेगा तो वो तहस नहस हो जाएगा। बट ये है कि गुरुजी डायरेक्ट मुंह पे बोल देते कि भाई तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? आपकी शादी हो गई, पति कितने हैं? कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। पैसे से वकील हूँ और मैं, मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, किंतु मेरा करते हुए उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ, तो इसका पाप किस पे आए? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ तो गलत करते हुए ये आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता, हम केस नहीं लड़ सकते था। तो आप सत्य को जिताएंगे आप, तो फिर सत्य जिताएगा आप। पंडित जी मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, पांच जेठ हैं, पांचों जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश हैं, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए जैसे आपने गाया, रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरण में आपका कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उठता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में, भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया। हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे हम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बाबा जी अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो मेरी स्कूल भी कंप्लीट हो गई। नहीं होना, गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, सारी उम्र में जो ऐसा मत करो मेरी जान। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं कितने अक्षर हैं आपके नाम में? तीन। तीन को चार से गुणा करो कितना हो? 12। तीन चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो। क्या गुरु जी क्या करा रहे हैं आप, ये मैथमेटिक्स हमारी मैथ्स वैसे भी कमजोर है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। गुरु जी मैं स्कूल जाती थी, हफ्ता 15 दिन तिलक लगा के गई, तो मैम कह रही थी बेटा ये तिलक मत लगा के आना। कोई बात नहीं, आप घर पे जब रहो तब लगा जा करो। गुटका खाना सही है? हाँ सही है। सारी इस बार बाबा जी हार गए, पता नहीं ये प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा।
हम कब करेंगे? आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी। 1917 में? हाँ। 1917? 2017। हाँ, 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है जी। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। बात तो सही भाई, प्यार उम्र देख के नहीं होता। क्या क्या बोला तू? मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते है। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ, तो फोटो फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। बाबा जी फिट है इस जनरेशन के लिए, इस जनरेशन को सुधारने के लिए। बस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, छोटी वीडियो बनी। बस इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, शिवरात्रि।